नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। शुक्रवार महा एकादशी, तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। शुक्रवार के दिन महा एकादशी है, जया एकादशी और इसे अजा एकादशी भी कहते हैं, जो जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आती है। यह एकादशी पाप कर्मों का नाश करने वाली है। इस एकादशी में इस दिन तुलसी के कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सबसे पूजनीय है और तुलसी का पौधा न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाता है, बल्कि आपके घर परिवार पर कहीं कोई मुसीबत आने वाली होती है तो तुलसी का पौधा आपके ऊपर अपने ऊपर ले लेता है, आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का सबसे प्रिय तुलसी का पौधा है, क्योंकि तुलसी हमेशा ही श्री हरि के सिर पर सवार रहती हैं या फिर सिर पर रहती हैं। तो जो व्यक्ति हर रोज तुलसी का सेवन करे ना करे, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा तो रहता ही है, यानी कि अगर इनके सेवन करने से, तुलसी के सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि नरक की यात्राओं से भी मुक्ति मिलती है। और इस एकादशी की महिमा भी यही है कि नरक यात्राओं से मुक्ति दिलाने वाली यह एकादशी है। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप शुक्रवार एकादशी के दिन कर लें तो तुलसी के ये प्रयोग तो आपके जीवन की परेशानियों को आपको समाप्त करता है, क्योंकि तुलसी को मंगल ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर तुलसी का पत्ता आप नियमित रूप से श्री हरि विष्णु या फिर भगवान श्री हरि कृष्ण जी को आप अर्पित करें तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और धन धान में बरकत होती है और आपका भाग्य भी चमक जाता है। एकादशी के दिन, चूंकि इस बार शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ रही है और आज शुक्रवार का दिन है और आज 3 सितंबर शुक्रवार के दिन यह महा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को आप अपने आलमारी या पर्स में रख दें तो धन को आकर्षित करता है। आज शुक्रवार इस महा एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़कर अगर आप अपने घर के कीमती जगह पर, जहाँ पर आप कीमती चीज़ रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर रख दें तो धन की बरकत होगी। शुक्रवार के दिन इस महा एकादशी के दिन पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज अगर आप छोटे छोटे तुलसी के प्रयोग करें तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आप पर प्रसन्न होते हैं। आज विधिवत पूजा आराधना करें, पीले पुष्प, पीले फल अर्पित करें, पीले चंदन अर्पित करें भगवान को, हल्दी वगैरह आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन तुलसी की विशेष महत्व है, चूँकि पंचामृत, जब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो तुलसी का प्रयोग जरूर करें, तुलसी का भोग जरूर लगाइए आज के दिन भगवान विष्णु जी को। तुलसी के भोग लगाने से आपके ऊपर अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वर्षों पुरानी आपकी गरीबी मिट जाती है। अब तुलसी जी की पूजा आराधना, यानी पहले आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, माता लक्ष्मी जी की भी साथ में करें, क्योंकि जब तक आप भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की आराधना नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी रहती है। इसलिए दोनों जन की पूजा करने के बाद तुलसी जी की पूजा करें, आप उन्हें एक लोटा जल से स्नान करें, जल में आप थोड़ा सा हल्दी डाल के ही चढ़ाएँ, अर्पित करें। और आज तुलसी जी की पूजा आराधना करते समय एक दीपक जरूर जलाएं घी का, सुबह भी जलाएं, शाम के समय जलाएं। और आप किसी भी वक्त, किसी भी समय आज शुक्रवार महा एकादशी के दिन तुलसी जी पर आप कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ा दें तो आपका भाग्य भी चमक जाएगा और वर्षों पुरानी आपकी गरीबी मिट जाएगी। क्या करेंगे, आज शुक्रवार महा एकादशी के दिन, इसे अजा एकादशी भी कहते हैं और जया एकादशी भी कहते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस महा एकादशी के दिन तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज। क्या करेंगे, आप जब एक दीपक जलाएंगे तुलसी जी के पास, पूजा आराधना करेंगे, तो चूंकि तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए धन धान को बढ़ाने वाली होती हैं, तो आप एक पीले कपड़े पे थोड़ी सी हल्दी ले लें, 1 रुपए का सिक्का ले लें और 1 सुपारी इलायची लौंग ले लें और उसमें गठरी बांध के तुलसी जी पर चढ़ा दें। लेकिन उससे पहले आपको स्नान कराना है, 1 लोटे जल से, 1 लोटे जल में हल्दी डाल के ही स्नान अर्पित करें। उसके बाद आप इस पीले कपड़े में जो आपने हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और आपने जो ये सुपारी लौंग इलायची, आप उनके ऊपर चढ़ा दें, तुलसी जी पर चढ़ा दें। और फिर आप चढ़ाने के बाद शाम को रात्रि 12 बजे या फिर किसी भी समय आप रात्रि में इस गठरी को उठाकर और अपनी आलमारी पर रख दें, जीवन की धन की मुश्किलें दूर करेगा, खूब सारा धन आएगा, धन की बारिश होगी और मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी और आपका भाग्य भी चमक जाएगा, किस्मत का साथ मिलेगा। दोस्तों, तुलसी जी पर ये वस्तुएं जरूर चढ़ा दें। तुलसी जी पर आज अगर आप अपनी मन की मनोकामना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ आप चाहते हैं कि आपका जीवन यानी कि सफल हो, तो तुलसी जी के ऊपर आज आप
थोड़ी सी हल्दी की गांठ अपने दाहिने हाथ में ले ले और वहीं पर आप महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, तुलसी जी को प्रणाम करते हुए, छूकर तुलसी जी को, तुलसी जी के पेड़ पर हल्दी की गांठ अलग से चढ़ा दें अपनी मनोकामना को बोलते हुए, तो जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों आज जरूर आप इस शुक्रवार महाएकादशी के दिन तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़, फिर देखें कैसे आपका भाग्य चमकता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।